हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह टर्म आज के भारतीय युवा युग में बेहद चर्चित है। समाज में हर शख्स की एक कहानी होती है, ठीक उसी प्रकार भूतों की भी एक कहानी होती है। हालांकि कुछ मनुष्य इन भूतों की कहानियों को मात्र एक वहम मानते हैं तो बाकी अन्य लोग इन कहानियों को हकीकत मानते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको विक्रम रघुवंशी के साथ हुई घटनाक्रम को साझा करेंगे जिसने ना केवल विक्रम की जिंदगी बदली बल्कि उसे पागल कर दिया। दोस्तों, यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक से खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। दोस्तों, इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते। इसे एक तरह का छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। यह खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते थे, अर्थात खेलना कूदना, उससे बातें करना। दोस्तों, उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिकी कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया था। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उस वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ था। इसका साहिल को काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 वर्ष हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी भुगतान उसने करने से मना कर दिया था। दोस्तों, एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपने रॉयल्टी के कागजात ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागजात को दिखा के उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन के स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागज दिखाने होंगे। अब वह कागजात को ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर खर्च को संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइलों को समझकर वैसे ही एक डॉल बनाएगा ताकि उसकी कुछ कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर ना जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को भी बता दिया था। इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे।
यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने कार्य पर सफलता प्राप्त की और वह उसने उस खिलौने को तैयार कर लिया। दोस्तों, खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के बाद वह अपने घर जाने का फैसला किया। उसका बच्चा भी इसके लिए इंतजार कर रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए उसने अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने को अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह फिर से खुशी भरा जिंदगी व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह खिलौना ही उसके वर्तमान का एक बुरे लम्हे के जैसा साबित होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया था। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसी की आवाज आ रही थी। यह हंसी की आवाज विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई थी, और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दिया और उसमें ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया, उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा में से उस डॉल को निकालकर समुद्र में फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला, वह हैरान रह गया। अलमीरा में वह डॉल थी ही नहीं। वह चिंतित हो गया था। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा और वह अपने बच्चों को ढूंढने लगा। आखिरकार उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चों से उस डॉल को खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब सी हंसी के साथ हंसने लगा और कहने लगा, मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम, मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं थी, बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। वह आवाज उसे पागल कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी की अगली पार्ट को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप भूतों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी को लेकर या इस कहानी के अगली पार्ट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।